केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से ट्रक और बसों की हड़ताल जारी है। लगातार जारी इस देशव्यापी हड़ताल का असर अब बाजारों पर दिखना शुरू हो गया है। देश की अलग अलग मंडियों में सब्जियों और खाने पीने के सामानों की आवक कम हो रही है और रोजाना के इस्तेमाल वाली चीजें ऊंचे दाम पर बिक रही हैं। मंडी समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि बसों और ट्रकों की इस हड़ताल के चलते कारोबारियों को हर दिन 15 से 20 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलू 700 रुपए क्विंटल नहीं पचास किलो सब्जियां जी उतो आंदियां नहीं भैया आ रही नहीं है कि जगह तो आंदियां नहीं इधर आदि हिमाचल मूचल तो आंदी है यूपी तो आंदियां नहीं तो आंदियां नहीं पईयां हुण जो भी आंदियां उच्चे रेट से आ रही गड्डियां बहुत स्लो आ रही हूँ गड्डी आ ही नहीं गई कोई की रेट रूट भी बदे ने जी रेट एक दिन बदे आ फिर उसी आ गया सब्जी मंडी के हड़ताल का असर जोड़ा कि लोकल सब्जी आई उन्होंने कोई फर्क नहीं पाया जी बाहर दब्जी आदि यूपी तो इलाके तो आती है कि उन्होंने फसल पे है। देखो इस तरह है भी अज साडे इंडस्ट्रीअल दे सारे जिहड़ियां एसोसीएशन है जिवें के सेठ है जो समॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रधान ने वो सारे सीपी साहब नूं मिले सी जाके भी तुसी साडा जिहड़ा है इन्हां दी ट्रांसपोर्टरां दीआं मंगां है इन्हां वल सरकार तक साडा मैसेज पहुँचाओ भी इन्हां दी मंग मन लैणी चाहीदी क्योंकि साडा जिहड़ा व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये कोई गल नहीं हैगी भी व्यापार ते कोई फर्क नहीं पिया ओवरऑल सरकार हिली पई है बहुत हज़ारां करोड़ का नुकसान हो रहा है ये एवें कह देनी गल है एड्डा बड़ा ऑल ओवर इंडिया च व्यापार हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का ये गल कह दिए भी यदा कोई भी फर्क नहीं ये कोई एवें अतकथ नहीं होएगी बहुत बड़ा इफेक्ट हैगा। अज जिहड़ा तुसी सब्जी की गल की है सब्जी नूं फिलहाल साडी जिहड़ी अहुदेदार ने ऑल ओवर इंडिया के जिहड़े साडे प्रेजिडेंट ने चेयरमैन साहब ने उन्होंने सानू थोड़ा जिहा हाले रोकिया होया भी असी जिन्ना चिर थानू इस तरह की सब्जी दुध बारे कोई असी अगली कार्रवाई लई नहीं कहिंदे तुसी नहीं करना क्योंकि साडे कारोबार नाल ही एड्डा बड़ा फर्क पै गया भी यही सरकार नू हिला के रखदे।